हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो सब जगह समान रूप परमात्मा कैसा है, जैसा ये इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट जो दौड़ रहा है, दिखता नहीं है, लेकिन जहां व्यवस्था है, जहां पंखा है, जहां ये लाइट लगी है, वहां से प्रकाश आता है तो पता चलता है कि यहां है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ज्ञानपीठ के आचार्य हो, इसलिए वेदांत की चर्चा कर रहे हो कि परमात्मा सर्वत्र है पर दिखता नहीं, क्यों? उन्होंने कहा देखना चाहते हो? बोले हां देखना चाहते। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होता है, ये मैंने जाना है, माना नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शिव का अनुभव है कि वो प्रेम से प्रकट हो जाता है। बस वो प्रेम हो अंतर में तो परमात्मा प्रकट होता है। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में एक प्रार्थना की गई। प्रार्थना क्या? मेरा निवेदन, किसी से सुन ली गई हो वो प्रार्थना तुम्हारी नहीं है। प्रार्थना वो जो तुम्हारे अंतर से उठती हो अपने आप। प्रार्थना तुम्हारी अपनी होनी चाहिए साहब। किसी से सुनी हुई प्रार्थना काम नहीं करती। परमात्मा तुम्हारा अपना होना चाहिए और प्रार्थना भी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, तब बात बनती है। इसलिए गीता स्वधर्म की चर्चा करती है और मानव जी निज धर्म की चर्चा करती है। अपनी अपनी निजता में रहो। तो प्रार्थना की गई। मानस जी में एक प्रार्थना हुई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। लेकिन परमात्मा प्रकट नहीं हुई उस प्रार्थना से, केवल आकाशवाणी हुई। परमात्मा क्यों प्रकट नहीं हुए? कभी विचार किया कि ये प्रार्थना होने के बाद भी परमात्मा प्रकट नहीं हुए? इसलिए प्रकट नहीं हुए क्योंकि जितनी मात्रा में परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, इस प्रार्थना में उस प्रेम का अभाव था, इसलिए परमात्मा प्रकट नहीं हुए। ध्यान देना, देवताओं ने क्या कहा पहला शब्द कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तुम हमारे नायक हो। और जब ये बात हुई कि तुम हमारे नायक हो तो इसमें अधिकार आ गया, इसमें प्रेम चूक गए, परमात्मा आए नहीं। इसलिए प्रार्थना अपनी करो, अपनी हो बस। और प्रार्थना में प्रेम आवश्यक है। जितनी मात्रा में परमात्मा प्रकट होता है उतना प्रेम अपने भीतर यदि प्रकट कर लो तो परमात्मा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रेम को प्रकट करो, परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएगा। आकाशवाणी हुई, धैर्य धरो धैर्य धरो धैर्य धरो पृथ्वी धैर्य धरो। मैंने कितने वचन दिए हैं, कितने शाप स्वीकार किए हैं, उन सबके फलस्वरूप मैं श्री अवध में अवतार लूंगा, धरा तुम्हारे दुख का हरण करूंगा। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो।
प्रभु के अवतार का संकल्प पूर्ण होने लगा। और आइए यहां से गोस्वामी जी हमें श्री अवध की यात्रा कराते हैं, वो अवध जहां मेरा ठाकुर जन्म लेने वाला है, अवतरित होने वाला है। कभी सोचा कि अवध को अवध क्यों कहते हैं? कौन से अवध में परमात्मा प्रकट होता है? अवध जहां कभी किसी का वध ना हो उसका नाम था अवध। वो अवध जहां केवल और केवल प्रेम ही था, कहते हैं अयोध्या। अयोध्या क्यों कहते हैं? लोक भाषा में अयोध्या जी भी कहते हैं, अयोध्या जी। ऐसी भूमि जो युद्ध के लिए सर्वथा अयोग्य घोषित की गई हो उसका नाम था अयोध्या, उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या का इतिहास उठाकर देखो, मुगल काल से पहले का अयोध्या में कोई युद्ध ही नहीं हुआ, वहां प्रेम ही प्रेम था। इसलिए परमात्मा श्री अवध को चुनते हैं। मैं तो आप सबको भी निमंत्रण दूं कि आज अयोध्या को हमने अपने स्वार्थ के कारण उसकी परिभाषाओं से तोड़ दिया है। आज यदि परमात्मा को अवतरित होना हो तो क्या अवध में अवतरित होगा? है प्रेम नहीं मेरे भाई बहन, ये समूचा राष्ट्र राम जन्मभूमि है, यह समूचा राष्ट्र ही कृष्ण जन्मभूमि है। इस पूरे राष्ट्र में इतना प्रेम पैदा करूं कि मेरा राम केवल अवध का होकर ना रह जाए बल्कि समूचे राष्ट्र का राम हो, पूरे विश्व का राम हो। खाली अयोध्या में काहे, उज्जैन में इतना प्रेम पैदा कर दो, अपने उज्जैन में इतना प्रेम पैदा करो साहब। आपके दिल्ली में करो, आगरा में करो, जहां जहां से आए अपने अपने नगर में इतना प्रेम पैदा करो कि मेरा ठाकुर ऊपर से देखे कि मुझे अवतरित होना है तो कभी वो उज्जैन को चुने, कभी दिल्ली को चुने, कभी इसे चुने, कभी इसे चुने, सब जगह।